जांजगीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर नौका विहार के दौरान टापू में लोग फंस गए हैं। महानदी में नौका विहार के दौरान 14 लोग फंसे हैं। नौका विहार के लिए दो नाव में ये लोग निकले थे। तेज हवा और मौसम बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। चार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। 10 लोगों की रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त पुलिस की टीम जुटी हुई है। शिवरी नारायण थाने के महानदी का यह मामला है। रेस्क्यू की तस्वीर आप देख रहे हैं। जांजगीर से बड़ी खबर, नौका विहार के दौरान लोग टापू में फंस गए। राजकुमार साहू हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। राजकुमार, फिलहाल रेस्क्यू को लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी प्रशासन का जो रेस्क्यू है जारी है। पहले जो दो नाव में ये लोग नौका विहार के लिए गए थे और अचानक किसी दौरान में जब ये टापू में पहुंचे थे तभी तेज हवा और आंधी आ गई और जिसके बाद ये लोग वहीं पहुंच गए और बाद में सूचना के बाद फिर पुलिस और नगर पंचायत के साथ साथ जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची और इनको रेस्क्यू का प्रयास किया गया और जिसमें से एक नाव में जो सवार थे उन्हें लाया गया और उसके बाद से दूसरी नाव में जो लोग से सवार थे उन्हें ले अभी जो पुलिस की टीम है और रेस्क्यू की टीम है वो वहां पर पहुंचे हैं लेने के लिए। तो कुछ समय बाद ये जो लोग हैं वो उनको सकुशल वापस ले आया जाएगा और अभी जो जानकारी आई है कि ये जो लोग हैं वो बलौदा बाजार क्षेत्र के कुम्हारी गांव के लोग हैं और एक परिवार है जो बिलासपुर जिले का रहने वाला है। तो फिलहाल इसमें अभी प्रशासन ने इसमें सतर्कता दिखाई है जिसके बाद से जो ये दो नाव में सवार होकर के जो ये लोग 14 लोग फंसे थे इन्हें सुरक्षित जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। इस जानकारी आई जी रहा। चलिए राजकुमार, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपका नजर बनाए रखेगा। राम